वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएड की एडमिशन या एडमिशन प्रोसेस थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, कि जो बीएड है डिस्टेंस एजुकेशन से कैसे होगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या क्या करना होगा आपको। देखो, पहली बात ये है कि बीएड थ्रू डिस्टेंस ये कोई पहली बार नहीं हो रही, ये पहले भी होती थी। अगर आप इससे 4-5 साल पहले चले जाओ तो ये होती थी, तब बीएड 1 ईयर की होती थी। जब 1 ईयर की बीएड होती थी तब डिस्टेंस में भी होती थी, डिस्टेंस में तब 2 ईयर की होती थी, ये मुझे याद है। लेकिन इसके बाद जस्टिस वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कमीशन आया, जस्टिस वर्मा कमीशन, उसमें से सारा जो बीएड का प्रोसेस है वो फिर से मॉडिफाई किया गया, बीएड को 2 ईयर्स का बनाया गया, उसके नए नए करिकुलम चेंज किए गए, एक्टिविटीज़ ऐड की गई। और ये ऑल ओवर इंडिया में हुआ, क्या अब ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में ही 2 ईयर की भी ऐड हुई, ये ऑल ओवर इंडिया में हुआ और ये जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हुआ। अब यहाँ पे बात करनी है आपको, सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि बी एड थ्रू डिस्टेंस और बी एड थ्रू रेगुलर, उन दोनों में क्या फ़र्क है। पहले बात अगर हम सिमिलैरिटीज़ की करें, दोनों का सिलेबस एक जैसा, ठीक है, सिलेबस में कोई वो नहीं होगा, पेपर्स में कोई वो नहीं होगा, दोनों के पेपर एक जैसे। जो रेगुलर जम्मू यूनिवर्सिटी की बीएड है जो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है वो, और ये जो डिस्टेंस, इन दोनों का सब जो सिलेबस है बिल्कुल एक जैसा होगा, पेपर बिल्कुल एक जैसे होंगे, दोनों के एक ही तरह से स्टार्ट होंगे पेपर, रेगुलर और डिस्टेंस वालों के पेपर एक साथ स्टार्ट होंगे। बाकी जो मार्किंग सिस्टम है, जो मार्क्स हैं, जो भी कुछ है, वो सारा बिल्कुल सेम होगा, इस लिहाज में किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं होगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज वाली भी है, दो डिस्टेंस वाली भी है। अब इंसान कहता है कि हाँ, डिस्टेंस में और जो प्राइवेट कॉलेजेस में बीएड होती है जिसे हम रेगुलर बीएड बोलते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसका सिर्फ सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि आपका क्लास वर्क और आपकी जो जिस कॉलेज में कर रहे हो उस कॉलेज की सपोर्ट, उस कॉलेज की टीचिंग्स का सबसे बड़ा फ़र्क होता है। बेसिकली क्या होता है बीएड में, बीएड में आपका थ्योरी वर्क जो है वो बहुत कम होगा, लेकिन जो अदर एक्टिविटीज़ वर्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आई थिंक 3 सब्जेक्ट हैं और फोर्थ सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट हैं थ्योरी के, सिर्फ 2 सब्जेक्ट थ्योरी के। लेकिन जो अदर एक्टिविटीज़ वर्क, जो टीचिंग वर्क, जो इंटर्नशिप वर्क, सेशनल वर्क, वो बहुत ज़्यादा है। पढ़ने वाला काम कम होगा, लिखने वाला ज़्यादा होगा। सेशनल करो, स्कूल्स में जाओ, 2-2 महीने की वहाँ पे टीचिंग्स करो, आपको जब सेशनल करने हैं यहाँ पे विज़िट करो, डाइट में जाओ, साई में जाओ, रेडियो स्टेशन जाओ, प्राइमरी स्कूल जाओ, सेकेंडरी स्कूल जाओ, प्लेवे स्कूल जाओ, वृद्ध आश्रम जाओ, इस तरह की पता नहीं कितनी एक्टिविटी हैं। ईच वन टीच वन, एक बच्चा लो, उस बच्चे को 2 साल तक पढ़ाते रहो, एक प्लांट लगाओ, उसको 2 साल उसकी फ़ोटोग्राफ लेते रहो, जो भी एक्टिविटीज़ करोगे उसकी वीडियोग्राफी करो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, आंगनबाड़ी के विज़िट, ये वो बहुत कुछ है, सारा साल यही कुछ चलता रहता है। और जो जो भी एक्टिविटी करोगे उसकी वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, उसकी फ़ोटोग्राफी करनी पड़ेगी, ताकि वो एक किस्म का एविडेंस, एक किस्म का सबूत रहे कि आपने ये एक्टिविटी की है। जब आपको इतना कुछ करना पड़ता है तो इतना कुछ बिना किसी सपोर्ट के नहीं हो सकता, तब बीएड फ़ायदेमंद होती है जो प्राइवेट कॉलेजेस में कर रहे हो। जिस कॉलेज में आप कर रहे हो एटलीस्ट वो कॉलेज तो आपको साथ होकर ये एक्टिविटी करवाएगा ना। अगर आपने कहीं डाइट का विज़िट करने जाना है, कहीं आपने स्कूल में टीचिंग करने जाना है, तो कॉलेज के वाले आपको गाइड करेंगे, उनकी फैकल्टी आपके साथ जाएगी, आपको पूरी ऑब्जर्वेशन करवाएगी। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा। डिस्टेंस में आपको पता है क्लासेस लगती हैं, वो उसको पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, 15 डेज या 20 डेज। उसमें तो बेसिक बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है। अब कोई ये तो हो नहीं सकता कि 5 महीने का कोर्स वर्क जो वो 15 दिन में
डिस्टेंस वाले कंप्लीट करवा दें, ऐसा तो होता नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ आपको जस्ट नॉर्मल गाइड करना कि आपने ऐसे जाना, वहाँ जाके ये करना वो करना, या थोड़ा बहुत आपको मेन समझाएंगे, इतना तो आपको भी पता है। तो ये जो सब एक्टिविटीज होंगी, ये सभी की सभी डिस्टेंस में आपको खुद करनी पड़ेंगी, कोई आपको आके करवाने वाला नहीं होगा। बट ये है कि आपको करनी जरूर पड़ेगी, जो रेगुलर वहाँ पे बच्चे सभी एक्टिविटी कर रहे हैं वैसी आपको भी करनी पड़ेगी। आप मिस नहीं कर सकते कि आप बोलो कि हम ये छोड़ देते हैं, रहने देते, क्योंकि लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा आपका एक्सटर्नल वाइवा होगा, हर सब्जेक्ट का होगा, एक एक्सटर्नल टीम आएगी, वो आपकी हर एक एक्टिविटी देखेगी, आपकी हर एक वीडियोग्राफी देखेगी, फोटोग्राफी देखेगी, और फिर जाके आपको उस सब्जेक्ट में पास किया जाएगा, एक्सटर्नल इंटर्नशिप में, असेसमेंट में। तो ये सारा काम आपको डिस्टेंस में करना पड़ेगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, काम कोई मुश्किल होता ही नहीं है, लेकिन ये होता है कि आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है। आप इतना कब, कुछ बच्चे होते हैं वो काफ़ी मैच्योर्ड होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं, वो हर चीज़ खुद कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाएगा बीएड थ्रू रेगुलर कॉलेजेस और डिस्टेंस में। चलो, अगर आपने डिस्टेंस में करने भी है तो सबसे पहली बात क्या चीज़ है, ये 2 ईयर की बीएड है, वो सबको पता है, 4 ईयर, बाकी सभी इंटर्नशिप मैंने अभी आपको बता दिए, ड्यूरेशन आपको पता है, एनसीटी, बेसिकली जम्मू यूनिवर्सिटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी बोलते हैं, इसके अंडर नहीं आती, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना वो आपको पता है 370, ठीक है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी एनसीटी के जो इतने भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करती है, जो एनसीटी ने करिकुलम बनाया है, जो उसने एक्टिविटी जो भी कुछ किया है, जम्मू यूनिवर्सिटी वैसा ही करती है, लेकिन उसके अंडर नहीं आती, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन जो है, अब एडमिशन कैसे मिलेगी, एडमिशन लेने से पहले एक चीज़ आपके पास बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, वो होना चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन स्कूल्स। किसी भी स्कूल का 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो भूल जाओ, फिर तो डिस्टेंस बीएड के बारे में सोचना ही छोड़ दो, इसी वक्त छोड़ दो। जब तक आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस किसी रिकॉग्नाइज स्कूल, और स्कूल भी कौन सा, जो जम्मू डिवीज़न के अंदर है, अगर आप किसी कश्मीर के स्कूल का ले आओगे तो वो नहीं होगा, जम्मू डिवीज़न के अंदर गवर्नमेंट जब प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, टोटली रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बाय गवर्नमेंट, उस स्कूल का जो 2 ईयर्स का, 2 या 2 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर जाके आपको एडमिशन मिलेगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर तो बोल ही जाओ, ठीक है। अब जो एडमिशन होगी वो उसका क्या प्रोसेस होगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ, इसकी 500 सीट्स हैं, टोटल 500 सीट्स। अब 500 में कैटेगरी भी आएगी, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 300 कुछ सीटें जनरल कैटेगरी की होंगी और 200 सीटें जो अदर कैटेगरीज की होंगी। अब जो 300 जनरल या 500 सीट्स है, इन सीट्स में किन बच्चों को एडमिशन दी जाएगी और किन बच्चों को नहीं एडमिशन दी जाएगी, ये आपका मेरिट पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने पीजी एडमिशन में देखा है ना, 75% ग्रेजुएशन की और 25% एंट्रेंस की, तो यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होता, लेकिन इसमें भी वेटेज है, इसमें वेटेज है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स की और आपके पीजी के मार्क्स की। अगर आपने पीजी की है और आपकी पीजी कंप्लीट हो गई है तो 10% उसकी वेटेज है। टोटल 100 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 100 में से 90 पॉइंट्स जो होंगे वो ग्रेजुएशन के होंगे और 10 पॉइंट्स आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे, यानी कि 90% वेटेज आपकी ग्रेजुएशन की है और 10% वेटेज आपकी पीजी की है। अब यहाँ पे देखना जाएगा कि ये आपको जो 90 पॉइंट्स हैं आपकी ग्रेजुएशन के, वो किस तरह से मिलेंगे, आपके कितने बनते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर सपोज करो आपके 900 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 1600 में से,
तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम तरीका जैसे आप वहाँ पे कैलकुलेट करते थे JEE में, वैसे ही कैलकुलेट का प्रोसीजर आप जस्ट 90 100 × 90 1 116 करोगे, जैसे यहाँ पे किया गया हुआ है, और इस तरह से करोगे, अपने मार्क्स को लगाओगे, आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं अपॉन कितने में से आए हैं इनटू मल्टीप्लाई 90, ये करके तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बच्चे के जो पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, वो इस बन रहे हैं 50.6.25। अगर इतने मार्क्स हैं तो 50.625 पॉइंट बनेंगे। सेम इसी तरह अगर उसने एमए एमएससी की हुई है और उसमें 1000 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 1600, तो सेम वही फार्मूला, देन आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, वहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई किया था कितने में से कितने आए इनटू 90 किया था, यहाँ पे पीजी में आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है और इससे आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ पे 6.25 पॉइंट मिलने हैं। टोटो को ऐड करके जो पॉइंट बनेंगे इसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट बनेगी, टॉप पे जो हाईएस्ट पॉइंट वाला होगा उससे लो एंड लो एंड लो। अब एक चीज़ हो रहा है, एक डिग्री और होती है जिसको बोलते हैं डीलिट, ठीक है, बेसिकली उसको पहले बोला जाता था ETT, ठीक है। अब इन केस, इससे पहले एक पता ना, अगर इन केस आपके दोनों दो बच्चों का जो मेरिट पॉइंट है वो सेम आ जाता है तो टॉप पे कौन होगा दोनों में से? तो टॉप पे वो होगा जिसके 10th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि एक डिग्री होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, डीलिट उसको बोला जाता है। इससे पहले उसको ETT बोला जाता था, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, जो कि 12th क्लास के बाद एक डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का, JK बोर्ड करवाता है इस डिप्लोमे को, ठीक है। आपने देखा होगा आपके नियर बाय कितने ETT कॉलेजेस होते थे, कितने बच्चे आते थे, बाहर के बड़े बच्चे आते थे, लेकिन वो बाहर के बच्चे भी नहीं, यहाँ के बच्चे भी कर सकते थे। तो बड़े सारे बच्चों ने वो डिप्लोमा भी किया है आफ्टर 12th क्लास ETT का। अगर आपने वो डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी मेरिट में। अगर 500 बच्चों में से 300 बच्चों ने वो डिप्लोमा किया हुआ है तो फर्स्ट 300 बच्चों को एडमिशन में से दी जाएगी, पहली मेरिट में पहले वो आएंगे बच्चे। अगर 500 में से 500 बच्चों ने डीलिट किया लिया है तो पहले उनको एडमिशन मिलेगी, चाहे आपका मेरिट सबसे टॉप में क्यों ना हो। सो फर्स्ट प्रेफरेंस उन स्टूडेंट को मिलेगी जिन्होंने डिप्लोमा किया है, अगर डिप्लोमा नहीं किया तो बाद में दूसरे स्टूडेंट्स का मेरिट देखा जाएगा, ठीक है। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो निकल चुका है, उसकी एडमिशन चल रही है, डिस्टेंस एजुकेशन की साइट पे जाके आप इसको अपना फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है? पहली एलिजिबिलिटी तो वो ये होगी कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, एंड अदर कैटेगरी के लिए 40%। सो 45% से ज़्यादा मार्क्स तो होने चाहिए। हाँ, अगर BEd जो गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए टीचर हैं जिन्होंने BEd नहीं की, वो BEd गवर्नमेंट ने मैंडेटरी की है कि वो लोग भी BEd करें, अगर वैसा कोई बच्चा जो गवर्नमेंट टीचर है तो उसके लिए ये परसेंटेज बाहर नहीं है, वो किसी भी परसेंटेज का हो उसको एडमिशन मिलेगी, ठीक है। दूसरा वो आपके आप यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वो टीचर होना चाहिए प्राइमरी एलिमेंट्री सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल का टेरिटोरियल जरिस्डिक्शंस ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपके स्कूल में टीचर लगे होने चाहिए, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर इन स्ट्रक्च आर इन पार्ट्स, या तो लगातार जस्ट जोड़ जोड़ के, बट होना चाहिए किसी तरह पर, ठीक है। और काउंटर साइड जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोगे वो टोटली रियल होना चाहिए। कुछ बच्चे अगर फेक सर्टिफिकेट बना के ले आते हैं तो किसी भी केस में यूनिवर्सिटी को लगा कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, आपकी एडमिशन तो कैंसिल होगी होगी, आपके ऊपर वो जो इलीगल वाला चीज़ है वो भी लगेगी लगेगी, लेकिन जिस अथॉरिटी ने दिया है वो भी पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर भी बराबर का केस चलेगा। तो लेने वाला और देने वाला दोनों का जुल्म एक जैसा ही होगा, ठीक है, ये चीज़ रखना। और किसी भी किस्म की चलाकी नहीं करना, यूनिवर्सिटी के पास बड़े सोर्सेज होते हैं चलाकियाँ पकड़ने के, किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट नहीं देना,
अगर कहीं पकड़े गए तो फिर बाद में बहुत कुछ हो सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है डेली के। बाकी रिजर्व कैटेगरी वैसी होंगी जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, इतने परसेंट वाले को इतनी परसेंट एससी कैटेगरी होनी चाहिए, इसमें एसटी एसटी वो सब कुछ वैसा ही होगा। एनुअल फीस, अब बात आ जाती है फीस की। एनुअल फीस द फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो 32,380 रुपीज़ होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आप बीएड कर रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस में और उसकी फीस कोई 33,000 समवट है और डिस्टेंस की 32,000, और प्राइवेट कॉलेजेस में आपको 5,000-6,000 एक्स्ट्रा से देने पड़ते हैं जो कॉलेज के कुछ फंड फीस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज की बीएड और डिस्टेंस की बीएड में जो फीस है वो हार्डली 5,000-6,000 का ही फ़र्क है, 5,000-6,000 कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ पे कितनी फैसिलिटी मिलने वाली है, यहाँ पे कितनी फैसिलिटी मिलने वाली है, इसका डिफरेंस भी आप देख रहे हो। तो ये पर ईयर की फ़ीस है, टोटल कोर्स की फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट ईयर भी आपको इतना ही समवट अमाउंट देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि 360 रुपीज़ उन बच्चों को देने पड़ेंगे जो जम्मू यूनिवर्सिटी के पहले बच्चे नहीं थे, जिनकी ग्रेजुएशन जम्मू यूनिवर्सिटी से नहीं हुई थी। 880 एलिजिबिलिटी फ़ीस देनी पड़ेगी जो बच्चा अदर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करके आया या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया, उसको 880 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 500 फीस उनको देनी पड़ेगी जो पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से फिर बाहर चले गए पीजी करने कहीं और फिर दोबारा जम्मू यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए 500 फीस ये होगी, उसको रिवाइवल फीस बोलते हैं, 1380, ठीक है। रिफंड ऑफ फीस, अगर इसका जो प्रोसेस होगा एडमिशन का, अभी फॉर्म भरने, इसके बाद काउंसलिंग की डेट आएगी, काउंसलिंग में आपका रैंक बनेगा, रैंक में आपको बुलाया जाएगा, उस वक्त आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के जाना है, लेके जाना है। अगर इन केस वहाँ पे अगर आप इनएलिजिबल हो जाते हो तो जो बैंक ड्राफ्ट बनाया है, जो फीस आपने सबमिट की है, आपको एक महीने का टाइम मिलेगा कि आप उसको रिफ़ंड कर सकते हो। अगर एक महीने तक रिफ़ंड नहीं करते तो फिर वो कभी भी रिफ़ंड नहीं कर पाओगे। बाकी एडमिशन प्रोसेस वैसा है, काउंसलिंग होगी लास्ट में जाके, आपको बुलाया जाएगा, स्पेशली कोई नहीं बुलाने आएगा, जहाँ आपको कोई स्पेशली इंटीमेशन नहीं दी जाएगी, वेबसाइट पे ही इंफॉर्मेशन आएगी कि इतने से इतने रैंक की जो काउंसलिंग इतनी डेट्स को है। तो आप बाकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल, आपको पढ़ने के लिए बुक्स दी जाएंगी, वो जैसे डिस्टेंस में होता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिलता है, वैसे ही आपको बुक्स मिलेंगी। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम सबके लगेंगे, 15 दिन के इसका पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होंगे पर सेमेस्टर्स में, ठीक है। करिकुलम वैसा ही होगा जो कॉलेजेस में, वो सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम होगा। इंटर्नशिप एंड एक्टिविटीज़ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, साई में, डाइट में, हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है, पूरी वैसी जैसे आप प्राइवेट बीएड में होती है वैसी आपकी पूरी एक्टिविटीज़ होंगी। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग भी वैसी की वैसी ही होगी स्कूलों में जाके। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कि आप पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में होगी, पेपर आपकी मर्जी है, आप हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो, लेकिन पढ़ाने का वाला तरीका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश ही चलेगी, ठीक है। बाकी सब वैसा प्रोसेस है, साइट खोल पे जाओ उसकी डिस्टेंस एजुकेशन की, वहाँ पे फॉर्म भरो, जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको करेक्टली फिल करो। आपको जाने से पहले कि अगर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जिस स्कूल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस स्कूल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बोर्ड की तरफ से उसको मिलता है, उसकी जो एफिलिएशन नंबर होता है वो नंबर भी आप उनसे नोट डाउन करके लेके जाइए, बाकी सभी डॉक्यूमेंट साथ में ले जाए। अब यहाँ पे साइट खोल के मोबाइल पे चेक कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो अपने साथ वो डॉक्यूमेंट्स ले जाना। तो ये सारा प्रोसेस है बीएड थ्रू डिस्टेंस। मेन एक ही चीज़ है कि पहले एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, 2 ईयर्स का रियल एक्सपीरियंस, और बाद में जो एडमिशन प्रोसेस का क्राइटेरिया आप देख सकते हो, वेटेज है 90-10%, ठीक है, डीलीट की है तो फर्स्ट प्रेफरेंस, बाकी मेरिट बनेगा। 500 सीट्स हैं, 32,000 सम बट अमाउंट का वो है, 15 दिन की क्लासेस लगेंगी, बाकी एक्टिविटी सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम जो है वो प्राइवेट जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके साथ एक जैसा सिलेबस, सब कुछ एक जैसा, ठीक है, ओके, थैंक्स।